सो so गाइज़ आज मैं आपको कैसे सुपी लूडो सुप्रीम लीग में ज़्यादा स्कोर लाना है वो बताऊंगा लेकिन उसे जानने के लिए आपको कुछ बातें बता देता हूँ सो so, जुप्पी लूडो सुप्रीम लीग में ज़्यादा स्कोर लाने के लिए आपको पहले गेम का बेसिक जान लेना चाहिए सो so, गेम का बेसिक ये है कि ओपोनेंट मतलब जुप्पी लूडो सुप्रीम लीग में आपको जो ओपोनेंट के छः गोटियाँ मारने को मिलता है उन छः के छः गोटियों को ही मानना पड़ेगा क्योंकि उन छः गोटियों को मानने पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं इसलिए और अपने दो गोटियों को घर के अंदर डालना पड़ेगा और तीसरी वाली गोटी को अपने घर के अंदर डालने का ट्राई करो अगर ना डाल सको तो कोई बात नहीं पर अगर डाल दो तो बहुत बढ़िया क्योंकि उससे आपको एक आपको एक, एक एक्स्ट्रा मूव मिलेगा एक्स्ट्रा मूव मिलने पर आपको एक एक्स्ट्रा मतलब एक नहीं मतलब जितने आपको पॉइंट्स आएंगे उतने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जिसका पॉइंट जितना ज़्यादा होता है उसका स्कोर भी उतना अच्छा आता है इसलिए तीसरी वाली गोटी को घर के अंदर डालने का ट्राई करो तो बस यही है बेसिक कि आपको अपने दो गोटी को घर के अंदर डालना है तीसरी वाली गोटी को घर के अंदर डालने का ट्राई करना है और ओपोनेंट के छः गोटियों को मारना है बस यही है गेम का बेसिक एंड आपको जुपी लूडो सुप्रीम लीग में हाइएस्ट स्कोर लाने का फार्मूला भी पता होना चाहिए सोगा इस फॉर्मूला है योर स्कोर इज इक्वल टू ओपोनेंट स्कोर प्लस छत्तीस मूव स्कोर प्लस लक स्कोर तो ओपोनेंट स्कोर का मतलब है कि आप जो ओपोनेंट के गोटियों को मारने पर आपको जो पॉइंट मिलता है वो है ओपोनेंट स्कोर और छत्तीस मूव स्कोर का मतलब है कि आपको जो आप जो मतलब छत्तीस मूव्स पर आपको जो पॉइंट मिलता है वो है छत्तीस मूव स्कोर एंड लग स्कोर का मतलब है आप जब आप किसी गोटी को मारते हो या फिर अपने गोटी को अपने किसी एक गोटी को घर के अंदर डालते हो तो तब तो तो आपको एक्स्ट्रा मूव मिलता है उन एक्स्ट्रा मूव्स पर आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं वही है लक स्कोर तो देखा जाए तो गेम ज़्यादातर मतलब डिपेंड करता है लक स्कोर के ऊपर तो आपको जितना अच्छा लक स्कोर आएगा आपका रैंक भी उतना ही अच्छा आएगा सो सोगाइ यही है गेम में हाइय स्कोर लाने का फार्मूला और अगर आपको ये मतलब एकदम अच्छे से जानना है तो आप लास्ट वाले कैलकुलेशन ट्रिक वीडियो को जाकर देख सकते हो उसमें मैंने एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से पेपर और पेन लेकर बता दिया है कि मतलब कैसे क्या होता है तो लास्ट वाले कैलकुलेशन ट्रिक वीडियो को जाकर ज़रूर देखना एंड एंडवाइज़ अगर आपका रैंक हर बार पाँच के ऊपर आता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप गेम दिन में खेलते हो तो हो, हो सके तो गेम दिन में मत खेलो क्योंकि दिन में क्या होता है जुप्पी में बहुत सारे प्लेयर्स एक्टिव रहते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स का मतलब बहुत कॉम्पिटिशन भी रहेगा तो इसकी तो इसीलिए आपका रैंक अच्छा नहीं आता तो हो सके तो आप रात में गेम्स खेल सकते हो क्योंकि रात में जुप्पी में ज़्यादा प्लेयर्स एक्टिव नहीं रहते हैं और मतलब ज़्यादा प्लेयर्स एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपका कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा तो तब आप अच्छा रैंक ला सकते हो रात में मतलब कंपटीशन भी बहुत कम रहता है ऊपर से गेम लीग भी बहुत देर तक चलता है तो अंडर हंड्रेड रैंक आप इजीली ला एजी ला सकते हो इसलिए हो सके तो रात में गेम्स खेलिए सो गाइस चलिए उस गेम को वापस से स्टार्ट करते हैं एंड गाइस गेम को रोक के मैं थोड़ा आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस गेम में मतलब जुप्पी में आपको बहुत पैसे नहीं लगाना है क्यों नहीं लगाना है क्योंकि जुप्पी में जितने सारे जितने भी गेम हैं जैसे लूडो और भी बहुत सारे गेम हैं वो कोई भी गेम स्किल हंड्रेड परसेंट स्किल बेस्ड गेम नहीं है क्यों नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि लूडो लूडो में डाइस रोल करने के बाद अगला नंबर क्या आएगा ये आपको पता नहीं है ये आप पता नहीं कर सकते तो इसमें क्या होता है आपका लक मैटर करता है मतलब मैटर ही नहीं करता बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसलिए ये जो गेम्स है ये हंड्रेड परसेंट स्किल बेस्ड गेम नहीं है और आप अपने लक के ऊपर पैसे कभी मत लगाओ इसलिए जुप्पी खुद कहता है कि गेम्स को सिर्फ और सिर्फ फन के लिए खेलो अर्निंग करने के लिए नहीं अर्निंग करने के बारे में सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे कंगाल हो जाओगे इसलिए बता देता हूँ फिर से गेम्स में ज़्यादा पैसे मत लगाओ पाँच दस रुपये के ही गेम खेलो मैक्स टू मैक्स पचास सौ उससे ऊपर के नहीं क्योंकि उससे ऊपर के गेम्स में तो कुछ लोग मतलब हैकिंग भी करते हैं और हैकर के सामने तो आप जीत नहीं पाओगे इसलिए बहुत पैसे मत लगाओ गेम्स में और ये भी बता दूँ कि आपको गेम के बारे में अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा कि आप हर गेम में सोचते हो कि मेरा फर्स्ट रैंक आएगा मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आएगा जो कि नहीं होगा कभी नहीं होगा क्योंकि फ़र्स्ट रैंक लाना इतना इजी चीज़ नहीं है इतना इजी बात नहीं है ठीक है हाँ तुक्के में एक दो बार आ सकता है आपका फर्स्ट रैंक पर हर बार कभी नहीं आएगा ये इम्पॉसिबल है पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि जूपी में कैसे फर्स्ट रैंक लाए ये वो तो आपको कुछ यूट्यूबर्स दिखते होंगे कुछ लोग दिखते होंगे जो कि मतलब बोलते हैं कि ये करो आपको हर बार फर्स्ट रैंक आएगा या फिर वो करके भी दिखाते हैं तो पहली बात तो वो जब बोलते हैं कि हर बार फर्स्ट रैंक आएगा वो सरासर सरासर झूठ बोलते हैं क्योंकि हर बार फर्स्ट रैंक लाना मतलब इम्पॉसिबल बात है ठीक है और जो वो जब दिखाते हैं कि देखो मेरा फर्स्ट रैंक आया वो फेक होता है और इसी तरीके से वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और उसी बेवकूफ़ी के चक्कर में आप पूरा दिन बैठे सोचते रहते हो कि यार मेरा एक दिन फर्स्ट रैंक आएगा हर हर बार मेरा फर्स्ट रैंक आएगा ये वो तो मतलब कभी नहीं हो सकता ये हाँ अच्छा रैंक लाने के बारे में सोचो कि हाँ मेरा अच्छा रैंक आएगा ये तो ठीक है फर्स्ट रैंक लाने के बारे में कभी मत सोचो तो गाइस चलिए गेम को पूरा करते हैं सो so गैस आप लोग देख सकते हो 308 का स्कोर बना है और रैंक आया है थर्टी का और जैसे कि पूरे वीडियो में मैंने बताया कि आप अच्छा स्कोर ला सक मैंने लाने के लिए रात में गेम खेल सकते हो आप हो सके तो क्योंकि रात में कंपटीशन बहुत कम रहता है तो आप रात में गेम खेल सकते हो अच्छा स्कोर अच्छा रैंक लाने के लिए एंड आप अपने आप अपने गेम पे ट्रिक यूज़ कर सकते हो जैसे कि निशाना ट्रिक हो गया एल्गो ट्रिक हो गया मैंने बहुत सारे ट्रिक मैंने मतलब इस चैनल पे बहुत सारे ट्रिक अपलोड किया हुआ है आप उन वीडियोस को जाके देखो आपको बहुत अच्छा मतलब सीखने को मिलेगा कैसे क्या होता है ऐसे तो आप अपने ट्रिक यूज़ कर सकते हो अपना स्किल लगा सकते हो गेम पे हाँ टोटली हंड्रेड परसेंट स्किल बेस्ड गेम तो है नहीं है लूडो फिर भी आप थोड़ा बहुत अपना स्किल लगा सकते हो बाकी पूरा आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है मतलब आपके लक स्कोर के ऊपर कि आपका एक्स्ट्रा मूव पे कितने पॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर आपका स्कोर डिपेंड करता है जैसे कि अगर मान लो आपने अपना तीसरा वाला गोटी तीसरी गोटी इसका अपना स्किल लगा के घर के अंदर डाल दिया फिर भी अगर उस एक्स्ट्रा मूव पे आपको एक आ गया तो वो वर्थ इट नहीं होगा अगर और अगर उसमें चार पाँच छः ऐसा कुछ आ गया तो वो वर्थ इट है ऐसे ही आपका मतलब स्कोर डिपेंड करता है लक के ऊपर फिर भी आप अपना मतलब थोड़ा बहुत स्किल लगा सकते हो जैसे कि रात में खेल के कुछ ट्रिक लगा के ऐसे कब कर सकते हो तो ऐसे आप गेम में अच्छा स्कोर अच्छा रैंक ला सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ लाया सो आई होप गज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने उन दोस्तों को जिनको मतलब ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत हो एंड अगर आपको मेरे विनिंग के प्रूफ देखने हैं तो सत्तावन गेम्स नामक टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो वहाँ पे मैं अपने विनिंग के प्रूफ शेयर करता हूँ और मेरे फेवरेट गेम ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जाके डाउनलोड कर लीजिए तो तब तक के लिए खेलो वहाँ स्किल से जहाँ